अब पूजा पद्धति में क्रियाएं तो चलती ही रहती हैं दोस्तों, लेकिन क्रिया के साथ में यदि मंत्र का उच्चारण भी कर दिया जाए तो देव प्रसन्न भी होंगे और अच्छा भी लगेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगी और आपको स्वयं को भी अच्छा लगेगा दोस्तों। अब हम अपने विषय पर आएं, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में अपने सभी प्रेमी गणों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी के द्वारा जुड़ने वाले सभी प्रेमी गणों का हार्दिक अभिनंदन। तो आ जाते हैं दोस्तों अपने विषय पर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भोग लगाते हैं तब कौन सा मंत्र प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। वैसे तो हर क्रियाओं के अपने अपने मंत्र हुआ करते हैं। अब नहीं पता तो बिना मंत्र के भी हम वो क्रियाएं करते हैं, फल भी प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों यदि उन क्रियाओं को मंत्र के उच्चारण के साथ में कर ले अति उत्तम है ना, और फिर देव भी प्रसन्न होंगे, अपना स्वाभिमान भी बढ़ेगा, अपने आप में ही पावर आएगी कि मैं यह सब जानता हूँ। दोस्तों धीरे धीरे करके विद्या और ज्ञान का संकलन बहुत अच्छा है और हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि धीरे धीरे करके आपका ज्ञान बढ़े। तो बस दोस्तों आ जाते हैं अपने विषय पर कि जब भोग लगाते हैं। अब वैसे तो हमने भोग के बारे में आपको बताया था कि हर देव और देवी को कौन सा भोग सबसे अधिक प्रिय होता है। यदि नहीं पता तो फिर से हम उस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भोग लगाएं तब इस मंत्र का उच्चारण कर लें, और पहले मंत्र भी सुन लें, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और सामने स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, आप उसे नोट कर लेना, लिख लेना। आप लिख करके भी भोग लगा देंगे, लिखा हुआ पढ़ लेंगे, पढ़ के लगा देंगे तो अच्छा है, और बार बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा दोस्तों। मंत्र है नाभ्या आशीद अंतरिक्षगम शीष्णौ दौ संवर्तता पदभ्याम भूमि दिशौ स्त्रोत्राम तथा लोकान एकल्पयन। अब लिखने में यदि यह मंत्र ठीक ढंग से नहीं आएगा तो लोकान जो शब्द दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा उच्चारण के साथ बढ़ा करके ले लेना, लोकान एकल्पयन, क्योंकि ये लंबा अक्षर लिखा नहीं जाता है तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है दोस्तों। और यदि उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो लिखा हुआ पढ़ दें, पढ़ करके भोग लगा लें, धीरे धीरे करके आपकी यह समझ में आ भी जाएगा। देव हो देवी हो दोस्तों, किसी का भी भोग लगाएं, इस मंत्र को पढ़ करके भोग लगा दें, इससे कोई भी शक्ति हो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी इच्छा के अनुसार फल भी प्रदान करती है दोस्तों। अच्छा लगता है वीडियो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ना, हो सकता है कोई इस मंत्र को याद भी कर ले और याद करके इससे भोग भी लगाए, पूरा फल प्राप्त होगा दोस्तों। फिर हम शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता।